सर देखी देखी में शुरू तो कर लिया था, पर सर अब बिलीव मी सिंपल सी कहानी है, जब आपने अपनी औकात से बाहर का सपना देख ही लिया है तो अब औकात से बाहर की मेहनत भी करना स्टार्ट कर। सिंपल सी कहानी है। तू ये सोच ले कि पहले ही भाई ये मेरे बस का नहीं है, मेरे लेवल का नहीं है, तो फिर तो तू बाकी लोगों को जीतने का मौका दे रहा है और बहुत ही गलत बात है। और ये एटीट्यूड रखेगा पूरी लाइफ में तो घर वालों के फिर भैया घर वालों से रिक्वेस्ट कर ले कि पूरी पूरी उम्र रोटी खिला सकते हो क्या, क्योंकि बाकी दुनिया बाहर जब जैसे ही आपने घर से बाहर रखा स्टेप, ऑटो को हाथ देते हैं ना, उसमें भी लाइन में दो तीन खड़े हो तब भी पता चला तेरे को वो ऑटो भी नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो कंपटीशन हर जगह है और आपका एटीट्यूड यही रहा कि इतना तो मुझसे नहीं होगा, तो भाई साहब फिर गड़बड़ है। एक बार आप अपना फोर्स लगाइए, मैंने आपको पहले ही बोला था, डू नॉट थिंक अबाउट द एंड रिजल्ट कि क्या होगा क्या नहीं, वो देख लेंगे, बट इस प्रोसेस से तो गुजरो, इस डे बाय डे की जिद्दोजहद से तो गुजरो। ये तुम्हें एक बहुत तगड़ा, एक हीरा सोना आप बोल सकते हो और एक सफल इंसान में कन्वर्ट कर देगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? वाह वाह, ठीक है। हो सकता है तुम लोग इतना सारा काम देख कर, देखो यही ग्रिलिंग प्रोसेस है, यही रास्ता है, इसी पे से चलना पड़ेगा। अब तुम्हें ये आसान लगे तो ठीक, आसान तो है नहीं, मुश्किल लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जाना तो इसी से ही पड़ेगा। कोई दूसरा रूट होता बिना मेहनत वाला तो जरूर आपको बता दिया जाता, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट मेथड, कोई भी अगर शॉर्ट मेथड बताया भाई इस सवाल को सॉल्व करने का ये एक छोटा तरीका हो रहा है, तो टीचर कोई तुम बोलते हो वाह यार सर आपने कितना बढ़िया मेथड बताया। तो इसीलिए जो जेईई के जाने का रास्ता है वो यही रास्ता है, इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। और रात होने वाली है, थोड़ी देर में हो चुकी है, 9 बजने वाले हैं, और जब तुम पूरा काम करते करते रात को 12:30 एक बजे जब कुर्सी तुम्हारी पसीने की वजह से थोड़ी थोड़ी गीली हो जाएगी क्योंकि गर्मी आ गई है, और बाहर जो है तुम देखोगे अपनी खिड़की से तो एकदम सन्नाटा छाया हुआ होगा, तुम्हारे मन में एक दुविधा चल रही होगी कि अब मैं आगे पढ़ूं कि सो जाऊं, कौन देख रहा है यार, समझ में आएगी नहीं समझ, तो उस टाइम पे ये कुछ लाइनें हैं, याद कर लीजिएगा प्लीज। वाह वाह हो जाए, ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, औरों को सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। सिनेरियो मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया है कि ये लाइनें तुम्हें कब याद करनी। ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, औरों को सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है, कहती है कि ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं इनसे मत घबराना, चद्दर ताने सो रहे हैं इनसे मत घबराना, जब बन जाओ कुछ तो इसी रात में इसी कुर्सी पर बैठकर खूब देर तक मुस्कुराना। तो वो जो रात है वो भैया आपको इंडिकेट कर रही है कि ज्यादा घबराने